हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नया चैप्टर शुरू हो चुका है और नए चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय के बारे में, जो कि त्रिभुज का परिचय था पूरा पूरा, जिसमें हमने आपके लिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताए थे और कुछ उन पर प्रॉपर्टीज बताई थी। तो आज हम यहां पर इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। त्रिभुज की 6.1 एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नों की, जो कि प्रश्न हमारे यहां पर वर्णात्मक प्रश्न। देखिए, पहले हमारे पास प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, जिनको हम यहाँ पर बताएंगे तो, लेकिन आपके लिए जो है समझा के बताएंगे कि इस प्रकार से अगर आपके लिए करें तो ये सही होगा या गलत होगा, या समरूप होगा या सर्वांग सम होगा, इस बात को जानकारी देंगे। सबसे पहला जो हमारा है वो पहला पॉइंट है, लिखा है कोष्ठक में दिए गए। क्या लिखा है ये प्रश्न है आपका? कोष्ठक में दिए गए, ठीक है ना, दिए गए कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द का प्रयोग करें। तो यहां पर आपके लिए सही शब्द का प्रयोग करना है। किस तरीके से करना है यहां पर देखिए, दो दो यहां पर आपके लिए स्टेटमेंट दिए होंगे जिनको आपके लिए चुनना है, एक आपके लिए सही को चुन लेना है। यहां पर आप ध्यान रखना है, जो हमने इंट्रोडक्शन आपके लिए बताया है पिछली वीडियो में वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो देख लोगे तो इंट्रोडक्शन का मतलब है पूरा आपके लिए जो त्रिभुज का जो चैप्टर है उसमें पूरी चीजें सभी मिल जाएंगी। क्या सर्वांगसम होता है, क्या समरूप होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, क्या उनके जो है कसौटियां हैं, क्राइटेरियन है, वो सब आपको यहाँ पर उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीधे एक्सरसाइज करा रहे हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तो पहला यहां पर जो हमारा रिक्त स्थान है वो ये है, क्या लिखा हुआ है, सभी व्रत। ध्यान से सुनना, सभी व्रत ये लिखा हुआ है, सभी व्रत होते हैं, डॉट डॉट करके होते हैं। अब ये जो सभी व्रत जो हैं होते हैं, ये कैसे होते हैं, इस बात को जवाब देना है हमें। दो ऑप्शन है यहां पर, एक है सर्वांगसम, एक है आपके लिए सर्वांगसम और एक है आपके लिए समरूप, ठीक है। एक है समरूप, एक है सर्वांगसम और एक है समरूप। इस बात को हमें जवाब देना है कि ये सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, ठीक है ना। दोनों बात में यह कह रहे हैं सभी व्रत। अगर बात करें सभी व्रत की, तो सभी व्रत अगर एक जैसा ही व्रत है, भाई सभी व्रत कैसे होंगे एक जैसा? जैसे मान लो अगर हमने बताया कि एक व्रत ये छोटा है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, अगर एक व्रत यहां पर है 5 सेंटीमीटर का है इस तरीके से, तो ये भी व्रत है। इस तरीके से अगर मैं व्रत बना दूं छोटा सा 1 सेंटीमीटर का, तब भी ये व्रत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर है वो सब व्रत हैं। और ये कैसे होंगे? ये होंगे, आपको देखो ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक समान है, समान रूप है इनका, ठीक है ना। माप भले ही अलग अलग है रेशियो में घटी हुई त्रिज्या की, लेकिन हम इन्हें कहेंगे समरूप है। क्या है ये? तो इन्हें हम कहेंगे समरूप है, ये फिगर्स जो है वो समरूप है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होंगे इनके लिए जो पहला स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे लिए, इस स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है ना। तो यहां पर हम भर सकते हैं समरूप, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सभी व्रत जो होते हैं वो समरूप होते हैं, इस बात को हमने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो है सभी वर्ग होते हैं, इस बात को लिखना है, सभी वर्ग होते हैं, डॉस करके होते हैं। तो यहां पर सभी वर्ग होते हैं, इस बात को बताना है। तो सभी वर्ग, वर्ग मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो यहां पर अगर मैंने ये छोटा वर्ग लिख लिया, एक छोटा सा वर्ग लिख लिया जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, एक बड़ा वर्ग लिख लिया इसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर मान लो,
एक बड़ा और सब वर्ग लिख लिया बहुत बड़ा सा, तो इसकी मान लो 5 साइड है, 5 सेंटीमीटर साइड है। अगर ऐसा है तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि ये एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि रेशियो भले ही अलग अलग हो लेकिन यहां पर अनुपात भले ही भुजाओं का अलग अलग हो, लेकिन ये कैसे हैं, ये समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं, यानी सिमिलर हैं। क्लियर है? तो ये फिगर जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, और ये आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन फिल हो जाएगा वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, इस बात की जानकारी हमें मिल चुकी है, इसका भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पर अगले जो है फिलिप्स की, तीसरा फिलिप जो है वो कुछ इस प्रकार है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इस बात को बताना है। तो कौन सा त्रिभुज होते हैं? आपके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी यहां पर बताया गया कि समरूप होते हैं, लेकिन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? या समबाहु, यहां पर लिखा हुआ है समबाहु, या विषमबाहु, एक लिखा है समद्विबाहु, ये लिखा हुआ है समद्विबाहु। इस बात को आपको बताना है कि कौन से यहां पर होंगे। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर हम बात करें सभी त्रिभुजों की, सभी प्रकार के त्रिभुजों की, तो वो समद्विबाहु है, कुछ समबाहु है। तो यहां पर आप देखिए जो समबाहु त्रिभुज होगा, जैसे मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर साइड है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा हो गया? समबाहु है। इस तरीके से एक छोटा बना सकते हो, यहां पर 1 सेंटीमीटर का अनुपात घटा दिया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से क्या है यहां पर आपके लिए, अगर 1 सेंटीमीटर के हैं यहां पर 2 सेंटीमीटर के हैं, दोनों त्रिभुज आपके लिए एक जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे होंगे? समरूप तो है ही, लेकिन यहां पर समबाहु त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक जैसी साइडें होती हैं, एक जैसे फिगर्स होते हैं, एक जैसी आकृति होती है, जबकि समबाहु समद्विबाहु में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बदल जाएगा रेशियो। तो यहां पर ये जो है समरूप होंगे, कौन? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यहां पर समरूप होंगे, इस बात को यहां पर हमने लिख दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं हम आपके लिए समझाते हुए चल रहे हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा होगा, समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा या सर्वांगसम होगा या आपके लिए समरूप होगा, इस बात को हम पूरे तरीके से आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर ये अच्छी समझ में नहीं आया तो आप इससे पिछला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने पूरा परिचय दिया गया है त्रिभुज का, जो परिचय शुरू किया है इससे पिछली वीडियो में, उसमें पूरा आपके लिए जानकारी दी गई है, तो वो आप वीडियो देख लेना, तभी आपको लिए यहाँ पर समझ में आएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको वीडियो देख लेनी है वो वाली, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट क्या है? लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज, ध्यान से सुनना, दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। दो बहुभुज समरूप होते हैं, इस बात की कंडीशन को लेकर के कह रहे हैं। कब होते हैं समरूप? तो उनके संगत कोण, पहला है उनके संगत कोण, यानी करस्पोंडिंग एंगल, उनके संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं या समानुपाती होते हैं। पहला लिखा है बराबर और समानुपाती दोनों को यहां पर भरना है। तो पहले मैं यहां पर उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, संगत कोण यानी करस्पोंडिंग एंगल जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा है उनके संगत भुजाएं हो। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? संगत भुजाएं जो है समानुपाती होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? यहां पर आपके लिए समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी अनुपात उनका एक जैसा होना चाहिए, या तो एक अनुपात में बढ़ेंगे या घटेंगे। जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये 2 सेंटीमीटर है इसकी साइड, अभी मैं कर दूं यहां पर 3 सेंटीमीटर, तो एक अनुपात में घटेंगे एक अनुपात में बढ़ेंगे। इन भुजाओं का जो रेशियो होगा वो एक अनुपात में बढ़ेगा एक अनुपात में घटेगा, इसीलिए हम समानुपाती कहते हैं। अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, यानी ये इनका रिलेशन रहता है। अब यहां पर बात करते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम आपके लिए दूसरा प्रश्न यहां पर समझाएंगे। देखिए बच्चों, यहां पर आपके लिए अब हम दूसरा प्रश्न कराएंगे, और दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिए। वर्णात्मक प्रश्न हमारे चल रहे हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न हम करा रहे हैं। लिखा है युग्मों के, निम्नलिखित युग्मों के
युग्मों के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए, दो अलग अलग उदाहरण दीजिए, ये लिखना है, अलग अलग उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये बताना है। यानी हमें युग्मों के दो अलग अलग उदाहरण देने हैं। कैसे देने हैं? यहां पर पहला दिया गया है समरूप आकृतियां, दो एग्जाम्पल देने समरूप आकृतियों के, ठीक है। तो समरूप आकृतियां यहां पर बताया गया है आपके लिए, हम बता दें समरूप आकृतियां क्या होती हैं। देखिए, अगर इनका अनुपात समानुपात हो, इनका अनुपात समानुपात होना चाहिए, और एक बात समानुपात होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रेशियो में बड़े छोटे हो सकते हैं तो हम इन्हें सिमिलर कहते हैं, समरूप कहते हैं। और समरूप की जो बात है, अगर समरूप आकृतियां आपको दिखानी है तो हम दिखा सकते हैं। मान लो यहां पर हमने एक वर्ग बना दिया, एक छोटा सा वर्ग है, इसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक यहां पर एक बड़ा त्रिभुज बना दिया, यहां पर वर्ग बना दिया जिसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से एक वर्ग और बना दिया, ये यहां पर 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, ये कैसे हुए? समरूप हुए, क्योंकि समरूप आकृतियों के बारे में हमें बताना है। तो यहां पर एग्जाम्पल हो गया, ये जो है वो समरूप आकृतियां हैं। कैसी हैं? समरूप हैं। और समरूप को हम जब कहते हैं सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर। यानी ये जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे, आपके लिए समरूप होंगे। क्यों होंगे? इस बात का यहाँ पर रीजन है कि समरूप इसलिए होंगे, भाई मेरे इनका जो अनुपात है वो एक तरीके से बढ़ रहा है, या तो घटेगा या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप समरूप को समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझना है तो हम, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए, इससे पहले वाली वीडियो देखना, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, जिसमें हमने आपके लिए सब चीज़ें बता दी गई, क्लियर कर दी गई। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए फटाफट और उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर समरूप हो जाएगा, समरूप आकृतियों का जो उदाहरण हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, चाहे आप इस तरीके से लिख लो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, यहाँ पर एक पेंटिंग का दे देता हूँ। अगर मान लो पेंटिंग इस तरीके से इतनी बड़ी बनी हुई है, फिर एक पेंटिंग इतनी बड़ी बनी हुई है, फिर एक पेंटिंग इतनी बड़ी बनी हुई है, ये क्या है? ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं वो कैसी हैं? सिमिलर हैं। कैसी हैं? सिमिलर हैं। क्यों हैं? इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि भाई मेरे एक रेशियो में, एक प्रोपोर्शन में ये अनुपात बड़ा हो रहा है, रेक्टेंगल शेप में बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी हैं? समरूप आकृतियां हैं। इस बात को आप समझ सकते हो कि समरूप आकृतियां वो आकृतियां हैं जिनमें एक समान अनुपात में या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात बढ़ता है या घटता है, और समरूप कहलाता है, ठीक है। तो और एक बात बता दूं, यहां पर समरूप जो फिगर होंगे, मैंने आपके लिए ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि समरूप जो आकृतियां होंगी वो जरूरी नहीं है आपके लिए सर्वांगसम हो, वो जरूरी नहीं है आपके लिए सर्वांगसम हो। और अगर जो सर्वांगसम आकृति होगी, जो सर्वांगसम आकृति होगी बेटा, वो जरूरी ही समरूप होगी। इस बात का हमें कारण भी बताया था पिछली वीडियो में, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली वीडियो को बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरी, सेकंड असमरूप आकृतियां। सेकंड अगर हम बात करें असमरूप आकृति, असमरूप आकृतियां यानी समरूप नहीं होंगी। इस बात का कौन सा हमें आपके लिए दो एग्जाम्पल देने? असमरूप आकृतियां। असमरूप का मतलब जो समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, समरूप नहीं है। इस बात को हमें बताना है। कैसे बताना है? देखिए, अगर हमने एक फिगर को बना दिया वर्ग, एक मैंने बना दिया वर्ग और एक बना दिया त्रिभुज, क्या ये एक जैसे फिगर्स हैं? क्या ये दिखने में एक जैसे हैं? नहीं है। अगर दिखने में एक जैसे नहीं है तो आप लिख सकते हैं दिखने में एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, दिखने में एक जैसे नहीं है। अगर दिखने में एक जैसे नहीं है तो हम यहां पर इन्हें कह देंगे असमरूप। क्या कह देंगे? असमरूप कह देंगे। अगर दिखने में एक जैसे नहीं है यानी नॉट सिमिलर कह देंगे। यहाँ पर आपके लिए ये सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, समरूप नहीं है। इस बात की यहाँ पर गारंटी हो गई कि असमरूप नहीं है। बात समझ गए? तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अगर हम एग्जाम्पल अगर दें, अगला एग्जाम्पल दें, तो हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बना दिया इस तरीके से। सुनना, मैंने एक फिगर बना दिया सर्कल, एक फिगर और बना दिया छोटा सा, फिर हमने एक बना दिया वर्ग, फिर हमने बना दिया एक त्रिभुज। क्या ये एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये फिगर अलग है, आकृतियां अलग हैं, इसलिए हम इन्हें कह देंगे असमरूप। भाई एक जैसे तो कम से कम होना चाहिए, अगर एक जैसे होंगे तभी तो हम इन्हें समरूप कहेंगे। उनका रेशियो भले ही छोटा बड़ा हो,
भाई बड़ा छोटा होगा तो या तो वो सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा या समरूप होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर असमरूप की बात की जा रही है, तो असमरूप वही फिगर होगा जिसके लिए आपको कोई माने डिफरेंट फिगर होगा, अलग चीज़ें होगी, अलग चीज़ें होंगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है असमरूप होगा। अगर एक जैसी भी होती, मान लो ये छोटा त्रिभुज है ये बड़ा त्रिभुज है, इसको हम क्या कहते हैं, कम से कम समरूप तो कह सकते हैं। समरूप अगर होते हैं तो समरूप हैं तो जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। मान लो ये एक जैसे होंगे, एक जैसे होते हैं तो सर्वांगसम हो जाएंगे, और जब सर्वांगसम होंगे तो समरूप होंगे ही होंगे, और जो समरूप होंगे वो सर्वांगसम जरूरी नहीं हो जाए, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को यहाँ पर हमने बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और तीसरा प्रश्न हम आपके लिए करा देते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, इस बात को हमें बताना है। तो चतुर्भुज हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए चतुर्भुज इस तरीके से एक दिया गया है, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज लिखा है, इसमें 1.5 लिखा हुआ है एस आर करके, यहाँ पर ए बी सी डी मत लिखो, यहाँ पर कुछ और नंबर लिखा हुआ है, एस आर लिखा हुआ है, एस आर और क्यू और ये पी, ठीक है ये है। तो 1.5 सेंटीमीटर ये है, 1.5 सेंटीमीटर ये भी है, और 1.5 सेंटीमीटर ये भी है, और 1.5 सेंटीमीटर, यानी एक प्रकार का स्क्वायर है, सभी साइडें बराबर है। और एक और दिया गया है यहाँ पर इस तरीके से, इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये है आपके लिए 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये समरूप है या नहीं है, इस बात को आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर बात करें समरूप की, तो समरूप में एक जैसा होना चाहिए, एक जैसी भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। आप भुजाएं देखो, यहाँ का डीसी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ का एसआर 1.5 सेंटीमीटर, का ये समान होगा, नहीं होगा, क्योंकि रेशियो नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पर 1.5 है एसआर, और यहाँ पर जो डीसी है बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर में बहुत ही अंतर हो गया, और इस तरीके से इनका रेशियो बराबर नहीं है, इनका भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अगर भुजाओं का अनुपात एक जैसा नहीं है तो हम उसे फिगर को जो है समरूप नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है समरूप नहीं है, इस बात को हमें बता दिया है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। तो ये हो गया समरूप नहीं है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज समाप्त होने वाली है, जो कि आपके 6.1 है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए 3 तक प्रश्न बता दिए, अब हम बात करते हैं आपके लिए 4th प्रश्न की, फिर एक्सरसाइज आपके लिए जो है फिनिश हो जाएगी। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना था, और इससे पहले जरूर आप पिछली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस चीज़ें जो बता रहे हैं वो पिछली वीडियो में जरूर आपके लिए डिस्क्राइब की हुई हैं, तो आप जरूर देखना। सो सब हम यहाँ पर 4th प्रश्न करा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए 4th प्रश्न कराते हैं, और 4th प्रश्न इसका एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को सत्य और असत्य में बताना है कि सत्य होगा या स्टेटमेंट असत्य होगा, इस बात को हमें जवाब देना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी दो समरूप समरूप आकृतियां अगर समरूप हैं तो क्या वो सर्वांगसम होती हैं, इस बात को बताना है, सर्वांगसम होती हैं। तो मैंने बताया यहां पर जो भी फिगर समरूप होंगे वो जरूरी नहीं यहां पर सर्वांगसम हो, यहां पर लिख सकते हो आप जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो समरूप आकृतियां होंगी, कोई भी 2 समरूप आकृतियां हैं, वो सर्वांगसम नहीं होंगी, इस बात का स्टेटमेंट लिखना है। यानी हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए, ये कह रहे हैं कि आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, और हम कह रहे हैं नहीं, असत्य है। क्या है ये? गलत स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होती है, समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, और हो भी सकती हैं, एक चांस होता है, वरना होंगी नहीं, ठीक है ना, समरूप आकृतियां। दूसरा हमारा स्टेटमेंट जो है वो ये लिख रहा है, कोई भी 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, कोई भी 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो स्टेटमेंट हमने बताया था कि अगर कोई भी सर्वांगसम है, कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, कोई भी 2 त्रिभुज अगर ए बी
सी और पी की वार दो त्रिभुज हैं इस तरीके से और सर्वांगसम है आपस में, ये सर्वांगसम है। तो अगर सर्वांगसम होंगे तो हमने ये बताया था आपके पिछले वीडियो में या यहाँ पर है, आप सुन लीजिए कि जब सर्वांगसम होंगे तो जरूरी है भाई मेरे, जरूरी है कैसा होगा, जरूरी है यहाँ पर समरूप होगा, ठीक है, जरूरी है समरूप होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि ये जो है समरूप होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर फिगर का जो अनुपात होता है, जो एंगल का अनुपात होता है, वो एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल कहीं भी डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसे एक बिल्कुल, मतलब चाहे उनकी कोई भी चीज़ देख लोगे, एंगल एंगल देख लोगे, साइड साइड देख लोगे, उनका एक जैसा दिख, एक जैसा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं सर्वांगसम जो आकृति है वो समरूप जरूरी है होगी, लेकिन समरूप होगी उसका जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, दो सर्वांगसम आकृतियां होती है, बिल्कुल है, यह सत्य है, आपके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस बात का यहां पर प्रूफ हमने बता दिया। अब अगला है थर्ड पॉइंट यहां पर कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है, ध्यान से सुनना, लिखा है कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। अगर मान लो दो बहुभुज हैं, इस तरीके से मान लो कोई भी है त्रिभुज है, इसका कोण यहाँ का और इसका कोण यहाँ का, अगर ये बराबर है, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ये कैसे संगत कोण बराबर हैं। जब संगत कोण उनके समान होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये जो है समरूप होंगे। इस बात का क्लियरेंस है कि ये जो है सत्य हो जाएगा, यानी कोई भी दो त्रिभुज अगर यहाँ पर करस्पोंडिंग एंगल बराबर है तो वो समरूप होंगे। इस बात को यहाँ पर जान सकते हैं। चौथा यहाँ पर स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजाएं असमानुपाती होती है। अगर भाई मेरे उनके भुजाओं की असमानुपाती होंगी, यानी यहाँ का 2 सेंटीमीटर है और यहाँ का 3 सेंटीमीटर है, क्या ये यहाँ पर इस बात को बता सकते हो कि ये जो है बहुभुज संगत भुजाएं अगर असमानुपाती हैं, असमानुपाती मतलब उनका अनुपात समान नहीं है, अगर अनुपात समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है उन भुजाओं का, तो यहाँ पर त्रिभुज जो हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो है समरूप होते हैं लेकिन ये होंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी दो फिगर जब भी यहाँ पर सिमिलर हो सकते हैं, जब भी यहाँ पर समरूप हो सकते हैं, जब उनका अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात होता है, जो साइड्स का अनुपात होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब एक रेशियो में, या तो बढ़े या घटे। अगर कहीं ना कहीं उनकी भुजाओं का अनुपात सही नहीं है, तो आप कह सकते हो वो जो है, वो कोई भी फिगर, कोई भी आकृति समरूप नहीं होगी। इस बात को हमने बता दिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न थे। अब पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बता दिया पूरी तरीके से, और यहाँ पर आप समझ गए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 देख रहे हैं आप, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 6.1 पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और जब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलेंगे हम बहुत ही अच्छे सवालों के साथ, और एक्सरसाइज जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानते हो कौन सी करेंगे, हम आपके लिए बताते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 धुआंधार चलेगी आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे यहाँ पर, और कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6.2 में, तो वो भी कराएंगे और इसी तरीके से सीखते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।